दिल्ली के जल मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा आज वाटर टैंकर घोटाले में शामिल आपके बड़े नेता का नाम बताएंगे। एबीपी न्यूज से कहा नाम सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, एक पुलिस जवान शहीद, 3 नागरिकों की मौत। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लश्कर के बड़े आतंकी को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा की दलित बस्ती में जाकर देखेंगे साफ सफाई का हाल। कल लखनऊ में गंदगी देखकर मेयर को लगाई थी जमकर फटकार। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों में हुई हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने आज यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह घटनास्थल का दौरा करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में हुआ था बवाल। बुलंदशहर के लवजिहाद केस में नया मोड़, हिंदू लड़की ने कथित मुस्लिम प्रेमी पर लगाया रेप का आरोप। लवजिहाद के आरोप पर युवक के रिश्तेदार की हत्या में उछला था हिंदू युवा वाहिनी का नाम। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पति को पेड़ से बांधकर 4 दरिंदों ने किया पत्नी से गैंगरेप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने चिबुक के सरकारी स्कूल से किया 80 स्कूली छात्राओं का अपहरण। 2014 में भी बोको हराम ने किया था स्कूली छात्राओं का अपहरण। दिल्ली को घर में मिली आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी हार, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने 146 रन से रौंदा। आईपीएल चैन में अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबले में धोनी स्मिथ की टीम पुणे ने हैदराबाद को 12 रन से हराया। बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, 9 दिन में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन। इतने कम दिनों में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म बनी बाहुबली 2। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।